एकता की संस्कृति थोपने की कोशिश की जा रही है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल लोकतंत्र का इस्तेमाल करके, चुनाव का इस्तेमाल करके हमारे देश और समाज की जो विविधता है उस विविधता को खत्म किया जा रहा है। नफरत का सहारा लेकर के लोगों के जो धार्मिक भावना है उस भावना को भड़का करके, उस भावना को उकसा करके, जो इंसान हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं, उनके जो सामाजिक आर्थिक संबंध हैं, उनका जो सांस्कृतिक संबंध है, उन संबंधों को धार्मिक भावना भड़का करके तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। हो रहा है चुनाव और हमको लग रहा है कि हम लोग लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि चुनाव का इस्तेमाल करके, जमहूरियत की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके, लोकतांत्रिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर तानाशाही थोपी जा रही है और एक तानाशाह को इस देश की गद्दी पर बिठा दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोच कर देखिए, अगर नाथनगर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है तो किसी दल का एक प्रत्याशी होगा, अलग अलग दल के प्रत्याशी होंगे, सत्ता पक्ष का भी प्रत्याशी होगा, विपक्ष के भी अलग अलग प्रत्याशी होंगे, लेकिन आप यह महसूस करेंगे कि चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक आदमी इस देश में चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ऐसा हमको क्यों महसूस कराया जाता है? आप मोबाइल खोलिए, आपको नरेंद्र मोदी गुड मॉर्निंग करते हुए दिखेंगे। आप तैयार होकर के मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए, पेट्रोल पंप पे जाइए, उनका दांत खिसोड़ा हुआ, दांत निचोड़ा हुआ चेहरा पेट्रोल पंप पे आपको दिखेगा। पेट्रोल पंप पे तेल भरा करके अपने ऑफिस में पहुंचिए तो आपके बॉस के सिर के ऊपर उनका भीड़ एक फोटो आपको दिखेगा। अखबार का पन्ना पलटिए वहां पे उनका फोटो दिखेगा। कोई योजना लेने जाइए वहां पे उनका फोटो दिखेगा। ये कैमरेबाज प्रधानमंत्री और इनका बिका हुआ कैमरा, ये इस देश के लोगों के दिमाग में ये ठूसने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ नहीं है, घर छोड़ करके भागा हुआ एक आदमी ही इस देश में है, ऐसा हमको महसूस कराया जा रहा है। इसीलिए आज जब चुनाव हो रहा है तो सवाल किसी को हराने या जिताने का नहीं है। आपको पता है कि एक उपचुनाव है, अगले साल फिर चुनाव होना है, महज किसी को हराने या जिताने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह जो तानाशाही व्यवस्था आपके कंधे के ऊपर थोपी जा रही है, यह जो तानाशाह आपके सर के ऊपर बिठा दिया गया है, इसके साथ ईमानदारी से और साहस के साथ लड़ेगा कौन? कौन खड़ा होगा मजबूती से, ये सवाल है। अब वो तो खड़ा हो नहीं सकता है जिनको विधायक बनने के लिए नेताजी को दुआ सलाम करना हो, वो तो खड़ा हो नहीं सकता है जिसके बाप दादों ने बेईमानी करके रुपया जमा किया हो, वो तो खड़ा हो नहीं सकता है जिसको राजनीति में अपना कैरियर बनाना हो, तो कौन खड़ा होगा? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाची हार, जो घर फूके आप लोग सो चलो हमारे साथ। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए लोगों का दिल है, ये पूरा संसार है, ये पूरी दुनिया है। एक तरफ जब नफरत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ हमको मोहब्बत की जरूरत है। जब हमको आपस में बांटा जा रहा है तब हमको एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि ये देश
एक धर्म या एक मजहब का देश नहीं है। यह समाज एक जाति और एक संस्कृति का समाज नहीं है। अब देख लीजिए, मैं बेगूसराय से आता हूं, गंगा के उस पार से। हम लोग कहते हैं कि हालचाल ठीक छो, और आप लोग भागलपुर के हैं गंगा के इस तरफ, आप क्या कहते हैं? ठीक छहोन।